आज हम NTT-NT के ये लॉकडाउन के दरमियान हुए हालात के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जिस पैनलिस्ट ने सब्जेक्ट अपना अपनी बात रखी उससे हमें पता चलता है कि पूरे देश में हमारे DNT लोगों की हालत बहुत बुरी है। मुझे ऐसे लगता है कि आज जो हालात बनी है COVID-19 की वजह से लॉकडाउन में, सबसे ज्यादा ये NTT-NT लोगों की हालात सबसे ज्यादा बुरी हुई है, क्योंकि ये लोग जो है गांव छोड़कर दूसरे गांव, नए गांव में अपना अनाज ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए गए हुए थे। और जैसा कि नोटबंदी अचानक घोषित हुई, उसी तरह लॉकडाउन भी अचानक घोषित हुआ, इन लोगों को अपने गांव वापिस जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। और लड़के आते हुए लोग हैं, और उनके पास जहां आके है उनके पास उनका राशन कार्ड भी नहीं है। ये जो सब हालात बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि COVID-19 की वजह से जो लॉकडाउन घोषित हुआ, ये घोषित हुए लॉकडाउन में पूरे देश में सबसे ज्यादा इसका हालात बुरा होगा तो वो ये NTT-NT लोगों का हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात मुझे ऐसी लगती है कि ये जो DNT के लोग हैं, सबसे ज्यादा बुरे हालत में हैं, इनके बारे में पूरे लॉकडाउन पीरियड में कहीं भी NTT-NT के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा, चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स करके चर्चा हो रही है, मतलब कॉमन इसको नाम दिया गया है। इसलिए इनकी DNT के बारे में एक्चुअली क्या बुरा हालत है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पैनलिस्ट ने यहाँ डिस्कशन किया उससे हमें जो पता है वो हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो पता नहीं है उसके बारे में क्या होगा, मतलब कितने लोग कितनी बुरी हालत में होंगे। मैंने कर्नाटक में कर्नाटक के बेळगांव के लोग मजदूरी करने के लिए करीम डिस्ट्रिक्ट में गए हुए थे, वहां का एक वीडियो मैंने देखा, जो लोग इतने चिल्लाते रोते थे, उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। इसी हालत में लोग हैं, बहुत सारे देश में DNT के लोगों की हालत वही है। 400 400 500 500 किलोमीटर लोग पैदल चलने लगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, धूप में पानी नहीं है। तो सबसे ज्यादा बुरी हालत इस पीरियड में हमारे NTT-NT लोगों की होती है, हो रही है, और कितना होगी भगवान जाने। आने वाले दिनों में हमारे लोगों की कितनी हालत होगी और कितने उनके मौत होंगे, ये मुझे बहुत डर की बात लगती है। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बुरी 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 हालत NTT-NT लोगों की पूरे देश में होते हुए इसका आवाज सरकार तक क्यों नहीं रहा? सरकार इसके ऊपर बात नहीं क्यों कर रही? हम सारे DNT के बारे में काम करने वाले या DNT के एक्टिविस्ट जो खुद होकर DNT के लिए काम करते हैं, वो आवाज बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार चुप है। सरकार कुछ भी इसके बारे में बोल नहीं रही, DNT के बारे में कुछ बोल नहीं रही। तो इसके बारे में हमें पता है कि पूरे DNT की हिस्ट्री में नेशनल लेवल पे पहली बार 2006 में कमीशन बिठाया था, उसको हम रेंके कमीशन से नाम से जाने जाते हैं। रेंके कमीशन ने 2008 को रिपोर्ट दिया, उस कमीशन ने इस पूरे देश के DNT लोगों का आवाज सरकार तक पहुंचने के लिए एक परमानेंट कमीशन की मांग की थी। लेकिन आपको पता है, हमें पता है कि रेंके कमीशन को सरकार ने खारिज कर दिया, वो सरकार थी कांग्रेस की। उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, उसने वापिस आधा इरादे कमीशन बिठाया, ताकि वो उसने 5 साल उसमें गुजर दिए। वो दादा इरादे कमीशन ने भी, ये DNT का भाग्य था कि उन्होंने भी परमानेंट कमीशन का मांग की, लेकिन वो भी आपको पता है कि उन्होंने भी कमीशन के बारे में नहीं बिठाया। मुझे ये दोनों कमीशन के रिपोर्ट के बाद, यदि कम से कम इस वक्त ये लॉकडाउन के पीरियड में यदि कमीशन बिठाया होता परमानेंट, तो ये DNT लोगों का आवाज सरकार तक पहुंचता, उससे कुछ नेटवर्क बनता, और इसी हालात में कुछ ना कुछ राहत मिलने की हमें उम्मीद लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश के DNT के लोगों के बारे में ये दोनों कमीशन का हमें एक नाटक किया गया, ऐसा मैं मानता हूं।
लोगों को दिशा भूल किया गया और कुछ भी सरकार ने नहीं किया। इस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि ये दादा हिदायत कमीशन के रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने ये डीएनटी का फाइनेंस कमीशन बिठाया, कॉरपोरेशन बिठाया, उसके चेयरमैन दादा हिदायत क्यों बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज की डिस्कशन में कम से कम दादा हिदायत को इन्वाइट किया होता तो उनकी राय लेती हुई तो कुछ हमें पता चलता, सरकार के तक आवाज आती। लेकिन लेकिन आज तक पूरे लॉकडाउन के पीरियड में दादा हिदायत ने एक सेंटेंस भी नहीं दिया कि ये डीएनटी के बारे में कुछ हालात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ये डीएनटी के लोगों का आवाज सरकार तक जाने का कोई ना कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनता, परमानेंट कमीशन नहीं बनता, तब तक हमारा यही हालात जो हुई है नोटबंदी में वो हालात हुई, उससे ज्यादा बहुत गंभीर हालात आज हमें ये लॉकडाउन में होने जा रहा है, होते जा रहा है, और कितना होगा पता नहीं। तो ये आगे मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें ये नेटवर्क बना के ये डीएनटी लोगों का, ये देश के 15 करोड़ डीएनटी लोगों का सरकार तक आवाज पहुंचने का कुछ ना कुछ परमानेंट कमीशन होना चाहिए, इनके कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि सरकार को इस हालात में ये डीएनटी लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद मुझे लगती है। इतनी ही आज की मीटिंग में मुझे बात रखनी थी। धन्यवाद।